गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में किया कि वेक्टर क्या होता है, क्या इसकी कंडीशन है, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने सीखा। आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम सेकंड पे आ गए हैं और उसमें कुछ एक आपके पास टर्म्स है जिनको पहले हम जानेंगे कि क्या होता है, इनका यूज कैसे करना है। कुछ ऐसी टर्म्स है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखी है पहले। स्टार्टअप करते हैं हम एडिशन से। फर्स्ट इसके अंदर आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है। ठीक है, यहां पे मैथमेटिकली इसको हम क्या कहेंगे। तो यहां पे हमारे पास सिचुएशन ये है कि यहां से स्टार्ट किया हमने चलना, हम बी पे पहुंचे, बी से हमने स्टार्ट किया और हम सी पे पहुंचे, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या हुई, ए से सी और कहां पे पहुंचे, बी से सी, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट बनी वो बनी एसी। क्या आई, वो एसी बनी। तो अभी हमें क्या करना है, किस तरीके से मूव किया वो हमें लिखना है। बस हमने मूव किया ए से बी पे, तो इन वेक्टर हम क्या कहेंगे, हमने मूव किया ए टू बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए बी। फिर हम कहां पे चले, बी से सी, फिर हम चले प्लस, आप लिख दोगे भैया हम चले बी से सी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, ए से बी और बी से सी, डिस्प्लेसमेंट आप चले ए से सी पे आ गए। और जो कि हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, तो हम जा सकते हैं ए से सी पे, तो ये किसके इक्वल होगा, ए सी। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि भैया हम ए से बी पे चले और बी से सी पे गए, तो या ए से सी पे जाए तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के इक्वल आएगा। यही आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। और ध्यान से देखिए, अगर हमने मान लीजिए एक सेकंड कंडीशन और ली कि भैया हम चले यहां ए से बी पे और फिर हम मूव किया बी से सी पे और फिर हमने मूव किया सी से दोबारा ए पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम पहले ए पे थे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी क्या है ए, दैट मीन ए से ए पे, तो ये तो क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर। तो आप यू लिख सकते हो भैया ए से हम बी पे आए, बी से हम सी पे आए और सी पे फिर दोबारा ए पे आए, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये कहलाएगा जीरो का। एक्चुअली ये भी इसी की टर्म है, बट हम मेन हमें क्या रखना है, ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या रखना है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए सी वेक्टर के इक्वल आएगा बेटा, ये हमें ध्यान रखना है इसका। अब ये तो हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि किसी भी हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहां से यहां तक हमारा वेक्टर है ए वेक्टर और इसकी डबल डिस्टेंस में हमने ले लिया या टू टाइम्स हमने रखा ए वेक्टर, तो ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट उस वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर लो, स्केलर से जिससे भी करना है। मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास है और हमें क्या करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे थ्री टाइम्स ऑफ ए बन गया, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केलर के साथ, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमने सीख चुके थे हम पहले ही कि भैया किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। उससे पहले आप एक चीज और देखिए, हम किसी भी वेक्टर को लिखेंगे कैसे, वो भी हमने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। अब ये वाला पॉइंट है पी, दैट मीन्स एक्स वाई जेड मान लेते हैं हम इसको, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, ओ। ओरिजिन का क्या होता है, जीरो जीरो जीरो। और आप एक चीज हमेशा ध्यान से रखना है, ये चीज कि हमें क्या करना है, ओ से पी वेक्टर बनाना है।
एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई चलता है, वाई के अलोंग जे चलता है और इसके अलोंग के चलता है, ये कैसे क्या होगा ये भी बता देता हूं मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहां पे, सबसे पहले तो अगर हमें वेक्टर बनाना है ओपी, तो याद रखना ये फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ओ से पी है तो पी से ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, पहले फाइनल जो ओ से पी पे गए तो पहले पी वाला माइनस ओ वाला, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा अगर हम देखें तो पी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो आएगा एक्स फर्स्ट वन, इसका क्या होगा जीरो, तो एक्स माइनस जीरो आई प्लस वाई माइनस जीरो जे और जेड माइनस जीरो के, तो हमारे पास ओपी जो वेक्टर बना वो बना एक्स आई वाई जे और जेड के। अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का, मान लीजिए ओपी का ही मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, तो ये आपके पास रहेगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और ओपी का मैग्नीट्यूड यू जेड, कौन सा है जेड, जेड का स्क्वायर स्क्वायर दी रूट, ये आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया है। आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा कि आप मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, किस तरीके से लोगे, वो आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है जैसे कंपोनेंट, यहां पे आई जे के क्या है, कंपोनेंट है बेटा, आप क्या लेते हो, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी लिखा हमने, ये वाला पॉइंट सी लिखा, सो ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी आर थ्री, और ये कैसे होंगे यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब इनका जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो वन आएगा, ओ बी का भी मैग्नीट्यूड वन और ओ सी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा वन, और एक्चुअली जो ये मैग्नीट्यूड बने यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड, अब देखो ये यूनिट वेक्टर बन गए इन अलोंग एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है, ये जेड के अलोंग, इन्हीं को बोला जाता है आई, इनको बोला जाता है जे और इसको क्या बोला जाएगा के। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे होगा और यूनिट वेक्टर अलोंग के एक्सिस फिर जेड एक्सिस क्या होगा के रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पे हमने सीखा भाई किसी भी दो वेक्टर को अगर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, किसी भी दो वेक्टर को अगर हमने लिखना है ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ज्वाइनिंग ऑफ ए टू वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं हम, यहां से देखें वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, एक चीज इस पे चलने से पहले मैं बता देता हूं कि भैया हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, जैसे हमने वेक्टर के स्टार्टिंग में लिखा था कि भैया कोई भी वेक्टर अगर होगा तो उसमें दो पॉइंट होंगे, एक इनिशियल पॉइंट एक टर्मिनल पॉइंट, और इसकी डायरेक्शन ए से बी पे है तो ये क्या बनेगा ए बी वेक्टर बनेगा। अब एक चीज और हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यस और नो, बिल्कुल। अब पहले एक चीज देखते हैं, मान लीजिए ए जो है उसका कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है ये है एक्स वन वाई वन जेड वन, और इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स टू वाई टू और जेड टू, हमें इनको बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, या इस तरीके से देखें, या अगर हम थ्री डायमेंशनल प्लेन में देखें तो आप यू देख सकते हो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे P2 है ये P1 है और इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो आप क्या करोगे, यहां से आपने बनाया O से P, P1 और P1 से P2 और ये वाला ट्रायंगल ना लगा दो, बिल्कुल जैसे इसको हमने A और B मान लेना है, या मान लीजिए यहां पे पॉइंट A है यहां पे पॉइंट B है, A के कोऑर्डिनेट हमने माने X1 Y1 Z1 और B के हमने माने X2 Y2 और Z2, तो आप ट्रायंगल ला अगर लगाओ यहां पे इस ट्रायंगल में ए बी ओ ए बी में, तो ट्रायंगल ला क्या कहता है, ओ ए प्लस ए बी
इज इक्वल्स टू ओबी, हमें किनको ज्वाइन करना है, ए बी को ज्वाइन करना है। एक्चुअली वेक्टर चाहिए हमें ए बी, ए बी वेक्टर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, ओबी माइनस ओ ए, ओबी क्या कहलाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, और ये क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। इसको अगर हम लिखें ए बी को, ओबी का ओ से बी, ओबी का पोजिशन वेक्टर अगर आप क्रिएट करो ओ से बी तो क्या होगा, एक्स टू आई, वाई टू जे, जेड टू के। इसी के अलोंग अगर आप ओ से ए को क्रिएट करो तो बनेगा एक्स वन आई, वाई वन जे और जेड वन के, ये वेक्टर बनेंगे ओ ए और ओ बी। अब हमें यहां पे देखना है ओ बी माइनस ओ ए करना है, तो अगर ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो पोजिशन वेक्टर पहले बी का माइनस ए का और एक्स एक्स वाले में से, मतलब आई आई वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा, जे जे वाले में से और के के वाले, ये बनेगा बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे और जेड टू माइनस जेड वन के। तो आपके पास जो पोजिशन वेक्टर बना ए बी वो क्या बन गया है ध्यान से देखिएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे, वाई वन और प्लस क्या था, जेड टू माइनस जेड वन के। ये आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये हमारे पास जो वेक्टर आ गया वो वेक्टर ज्वाइनिंग द टू वेक्टर्स। अब ध्यान से देखो, अगर हमें ए बी का मैग्नीट्यूड कर दिया, मॉडुलस ले लिया, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, मॉडुलस कैसे होता है, आई वाले का स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन वाले का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन वाले का स्क्वायर और जेड टू माइनस जेड वन वाले का स्क्वायर, और फिर क्या लेंगे हम, स्क्वायर जीरो। ये बनेगा कन्वर्ट होके डिस्टेंस ए बी। अब इसमें वेक्टर नहीं रहेगा, ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो होता ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर होल स्क्वायर की रूट। तो वेक्टर का जब भी आप लोग ध्यान रखना, वेक्टर का जब भी हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, डिस्टेंस में, स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, वो आपका टॉपिक जब क्वेश्चन होंगे तब कराएंगे, इससे पहले इनसे रिलेटेड जितने भी सम है वो हम कंप्लीट करेंगे आज। तो आपकी एक्सरसाइज जो है जिसमें है 10.2, वो एक्सरसाइज हम चलते हैं, क्या है हमारे पास, उसका पहला सम पढ़ो। सबसे पहले कहते हैं कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है अभी हमने पढ़ा था, किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो कैसे लेते हो। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक हम चीज पढ़ेंगे यहां पे यूनिट वेक्टर, जो पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। आपने क्या पढ़ा यूनिट वेक्टर, कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा, क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। इसको जनरली मान लीजिए ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा यूनिट वेक्टर का। अब आने वाले सम में आपको करके दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सम है आपका 10.2 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट सम क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक मिनट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, आपके पास वेक्टर गिवन है ए, क्या गिवन है हमारे पास, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास दे रखा है वेक्टर, और क्या कहता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा ध्यान में सुनना, हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीपल क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर, इसका क्या है, वन, तो वन का स्क्वायर, जेड और के का क्या है, वन, तो स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर दी रूट, आंसर आया रूट ऑफ थ्री, ठीक है। और ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास जैसे यहां पे दे रखा है वेक्टर बी वेक्टर, क्या दे रखा है इन्होंने, टू आई माइनस सेवन जे माइनस थ्री जे, क्या दे रखा है, माइनस सेवन जे माइनस थ्री के। तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे हम क्या करेंगे, आई का मल्टीपल टू है तो टू का स्क्वायर,
इसका मल्टीपल माइनस सेवन लेंगे, स्केयर करेंगे, इसका मल्टीपल माइनस थ्री स्केयर, तो यहां से क्या आएगा, फोर प्लस 49 और प्लस 9, तो आपके पास क्या बना, 53 तो ये बन गया, 53 में 9 ऐड कर दो, 53 में 9 ऐड करोगे तो आई थिंक 62 के लगभग आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, ये हमें करना है। अब बात आती है जैसे यूनिट वेक्टर, सपोज करो हमें ए का या बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लीजिए ए का निकाल रहे हैं, तो ए का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा कि भैया वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो हमारे पास ए क्या था, आपके पास ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, रूट थ्री, ध्यान से देखना इसको हम यू लिख लेंगे, वन ओवर रूट थ्री आई, वन ओवर रूट थ्री जे, वन ओवर रूट थ्री के। अब ये यूनिट वेक्टर है या नहीं इसकी पहचान क्या होगी, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, किसका, इस वाले का, तो क्या रूल होगा, मैग्नीट्यूड का रूल तो वही है भाई, वन बाय रूट थ्री का स्केयर, वन बाय रूट थ्री का स्केयर और वन बाय रूट थ्री का स्केयर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सेम रहता है। तो यहां से क्या बना, वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री, तो ये आएगा थ्री बाय थ्री और आपके पास क्या आएगा, वन। तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। और कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है, देखो ध्यान से, इधर राइट द टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, आप ऐसे दो वेक्टर लिखिए, डिफरेंट होने चाहिए बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्या होगा, टू डिफरेंट वेक्टर हो बट सेम मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं हमारे पास है ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस टू के, दूसरा वेक्टर बी हमने लिया टू आई माइनस जे प्लस के, अब बताओ ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है या नहीं है, बिल्कुल है डिफरेंट, इनके मैग्नीट्यूड करके देखते हैं हम, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्केयर रूट पहले वन है तो वन का स्केयर वन, वन का स्केयर वन माइनस टू का क्या होगा स्केयर फोर, तो ये बना रूट सिक्स। बी का मैग्नीट्यूड कर कीजिए अब आप लोग, तो क्या बनेगा, टू का स्केयर फोर माइनस वन का स्केयर वन और वन का वन, यहां से भी सिक्स। क्या कंडीशन थी, कहता है वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, राइट द डिफरेंट वेक्टर, सॉरी राइट द टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनना, मान लेते हैं वेक्टर ए है 2i 2j 2k और बी वेक्टर आपने ले लिया 4i 4j 4k, ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक्चुअली ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और सेम होने का मतलब एक्चुअली इनके डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, डायरेक्शन रेशियोज अगर देखे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, मैं आपको इस पे भी लेके चलता हूं भैया, अगर क्वेश्चन ये आए कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, हालांकि 3D में है बट इसमें भी यूज होगा, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूं, डायरेक्शन रेशियो एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो भी वेक्टर गिवन होता है, एनी वेक्टर गिवन जो होता है उसके आई जे और के कोफिशियंट रेशियोज को डिफाइन करते, सपोज कर कीजिए हमारे पास वेक्टर है ए टू आई प्लस जे प्लस थ्री के, तो अगर हम इसकी बात करें इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो आपका आंसर आएगा टू वन और थ्री, जस्ट कोफिशियंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के क्या करने हमें कोफिशियंट लेने, बात आएगी डायरेक्शन कोसाइन, ये कैसे निकालते हैं, तो एक सिंपल सी हमने बताया था
किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन किया था। मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है, ये वाला पॉइंट है उसका, हमने इस पॉइंट को नाम दिया, जैसे यहां पे आपका पॉइंट है 2, 1 और 3 और ये ओरिजिन हो गया 0, 0, 0। हमें ये ओ, ये पॉइंट लेट पी और इसको नाम दिया हमने वेक्टर ए का। इसके निकालने हैं कोसाइन, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इसने इसके साथ एंगल बनाया अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, ओपी ने वाई के साथ बनाया बीटा और जेड के साथ बनाया गामा। सो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको एक्चुअली यू भी लिखा जाता है, एल कोस अल्फा, एम कोस बीटा और एन कोस गामा, एलएमएन की फॉर्म में ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इस तरीके के दूसरे नाम ये भी है। अब किसी भी वेक्टर के कोसाइन कैसे निकालेंगे उसके लिए ध्यान से देखना। सपोज करो ये वेक्टर है, हमें इसके कोसाइन चाहिए, तो एक काम कर लीजिएगा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा कि वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्या होगा, 2i + j + 3k और मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 और 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 × 3 = 14 बन जाएगा, सॉरी 9 और 1 = 10 और 14, सो 2 / √14i प्लस 1 / √14j प्लस 3 / √14k। तो बात आएगी डायरेक्शन कोसाइन की, तो देखो ध्यान से, वेक्टर के कोफिशियंट तो क्या देते हैं, रेशियोज, बट उसी का यूनिट वेक्टर ले लो, उसके कोफिशियंट क्या देंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला बनेगा इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन, जो कि एल या कोस ऑफ अल्फा बोलेंगे उसको, वो आपका बनेगा 2 / √14। एम जिसको कोस ऑफ बीटा बोलेंगे हम, वो बनेगा आपका 1 / √14 और एन जो कि कोस गामा बनेगा वो आएगा 3 / √14। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन और वो होते हैं रेशियोज। हमेशा इस चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास वेक्टर गिवन है और वो ये कहे कि डायरेक्शन रेशियोज निकालो तो जस्ट कोफिशियंट ऑफ दैट वेक्टर, बट अगर वो ये कहता है डायरेक्शन कोसाइन निकालो तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो और उसके कोफिशियंट को कह दो कि ये कोसाइन है भाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि राइट द डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो आपके पास डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो सेम आना चाहिए। हमने एग्जाम्पल आपको अभी दिया था, कौन सा एग्जाम्पल था, आप कोई भी बना सकते हो, जस्ट एक चीज याद रखना, मल्टीपल सेम रखना। मान लीजिए आपने रखा i + j + k, तो आप सेकेंड अगर बनाना चाहो तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से लिख सकते हो। एक वेक्टर है i + j + k, दूसरा वेक्टर हमने बना दिया 2i + 2j + 2k। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन रेश कोसाइन की अगर बात करें तो पहले वाले के कोसाइन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा a का √3, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा b का 4 + 4 + 4, कितना बन गया 4 और 4 8 और 4 12, √12 को क्या लिखोगे आप 4 × 3, इसका मतलब 2√3। अब पहले वाले के अगर हम देखें, इसका यूनिट वेक्टर बनाएं तो क्या बनेगा यूनिट वेक्टर, i + j + k / √3, दैट मीन्स ये आपका बनेगा 1 / √3i, 1 / √3j, 1 / √3k। तो कोसाइन क्या बने, 1 / √3, 1 / √3 और 1 / √3, इसके तो बन गए ये। इसमें चलते बी वाले में, तो बी का आपको यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, वेक्टर क्या है 2i, 2j, 2k / √3, 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसके कोसाइन क्या बनेंगे, इसके भी सेम बनेंगे 1 / √3, 1 / √3 और 1 / √3। तो आपके पास वेक्टर तो डिफरेंट है बट कोसाइन क्या आ रहे हैं, सेम, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है ध्यान से सुन लो, अब बात यहां पे आती है इक्वल वेक्टर की। कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उसका एक ही मीनिंग होगा
कि उसका एक्स वाई और जेड कोफिशियंट आई जे के कोफिशियंट एक्चुअली बोले तो हम यूनिट वेक्टर के कोफिशियंट क्या होंगे सेम होंगे। मान लेते हैं एक वेक्टर है ए एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, दूसरा है बी वेक्टर एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के। इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं तो डायरेक्शन सेम होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो यहां से क्या आएगी, एक्स वन एक्स टू के इक्वल आना चाहिए, वाई वन वाई टू के इक्वल आना चाहिए अगर इक्वल हैं तो, और जेड वन जेड टू के इक्वल आना चाहिए, तब जाके दो वेक्टर इक्वल बनते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो इसी से सोल्व होना है बेटा। कहते हैं टू आई प्लस थ्री जे इसके इक्वल दे रखा है इन्होंने बेटा, ध्यान से देखो आपकी बुक में, एक्स आई वाई जे एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल है तो आई वाला आई के साथ टू इज इक्वल्स टू एक्स और थ्री इज इक्वल्स टू वाई आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका जो फिफ्थ है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या है कि एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दे रखा है और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है, ये इनिशियल है ये टर्मिनल है, इनके कुछ उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है टू वन और टर्मिनल पॉइंट है माइनस फाइव सेवन, ये है टू वन ये है माइनस फाइव और सेवन, या दूसरा कुछ लिखा हुआ चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ माइनस फाइव सेवन। तो हमें क्या करना है, ए बी वैक्टर बनाना है बेटा। फॉर्मूला क्या होगा, ज्वाइनिंग टू वैक्टर क्या होता है, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, बी का पोजिशन वैक्टर क्या होगा। एक्चुअली देखा जाए तो आप इसको यू लिख सकते हो कि ये ओ हो गया, हमें ए बी बनाना है। कैसे निकालेंगे, ए बी वैक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ओ क्या होगा ओरिजन, जीरो 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 वाला वैक्टर, दो में है तो जीरो जीरो ले लो क्योंकि जेड में नहीं है तो सेवेंथ प्लेन है, तो आपके पास ये बन गया। ओबी का क्या होगा, ध्यान से देखो ओबी वेक्टर को आप बनाओ यहां पे तो ओबी वेक्टर बनेगा माइनस फाइव आई प्लस सेवन जे, और ओए वेक्टर क्या बनेगा टू आई प्लस जे क्योंकि टू और वन है, तो ओबी वेक्टर आपके पास माइनस फाइव आई प्लस सेवन जे, ओए वेक्टर क्या है बेटा टू आई प्लस जे। अब माइनस फाइव आई प्लस सेवन जे माइनस टू आई माइनस जे, तो फाइव और टू माइनस का सेवन आई, सेवन में से वन करो तो सिक्स जे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट क्या है, माइनस सेवन और सिक्स, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है माइनस सेवन और वाई एक्सिस का कंपोनेंट है सिक्स, ये हमें ध्यान रखना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास सिक्स क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। अब आपको क्या करना है भैया, सम करना है उन सब का। सम में क्या होगा, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा वेक्टर है और अगर हमें सम करना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, तीनों का सम, या दो है तो दो का सम कैसे करेंगे, आई का आई के साथ ऐड करेंगे, जे का जे के साथ और के का के के साथ। सपोज करो आपके पास वेक्टर जो गिवन है ए है आई माइनस टू जे, आई माइनस टू जे और आगे क्या लिखा हो बेटा इसमें, आई माइनस टू जे प्लस के, बी वेक्टर गिवन है वो हमारे पास है माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, और थर्ड जो वेक्टर दे रखा है वो हमारे पास है आई माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के, आई माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के, आई थिंक ये वेक्टर थ्री है। अब वो ये कह रहा है कि इनका आपको एडिशन करना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दीज टू, तीनों का आपको सम करना है बेटा। एक्चुअली आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप देखें ए प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले आई वाले ऐड कर लो सारे, यहां क्या है माइनस टू आई, यहां है आई और आई, तो क्या बनेगा, आई वाला तो जीरो है ही नहीं, सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आई और आई टू प्लस के हैं और टू ही माइनस के हैं,
वाई वाला तो जीरो बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां है माइनस का सिक्स और माइनस टू, माइनस एट हो गए, प्लस का फोर हो गया तो माइनस का फोर जे। यहां है सेवन, फाइव और वन सिक्स तो माइनस के, तो क्या बना माइनस फोर जे माइनस के। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन था रहा है आपका, पढ़ना ध्यान से, क्या कहता है यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपको क्या निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, किसका निकालना है वो वेक्टर लिख लेते हैं ए, और ए हमारे पास क्या गिवन है लिखते हैं उसको, आई प्लस जे प्लस टू के, आई प्लस जे प्लस टू के इसका यूनिट वेक्टर चाहिए भैया। और हमें क्या पता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कि वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो आप इसका मैग्नीट्यूड बनाए पहले, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, आई का कोफिशियंट स्केयर कीजिए वन का स्केयर, इसमें जे वाला भी वन है और के वाला टू है, सो वन प्लस वन प्लस फोर आपके पास आया रूट सिक्स। तो यहां से हमारे पास क्या बना रूट सिक्स आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर वेक्टर है आई प्लस जे प्लस टू के डिवाइड बाय रूट सिक्स। तो आप इसको क्या लिखेंगे, वन ओवर रूट सिक्स आई, वन ओवर रूट सिक्स जे और टू ओवर रूट सिक्स के, ये आपके पास क्या आएगा इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो सकती है, वो कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे सपोज करो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमारे पास दो पॉइंट दे दिए, इनिशियल और टर्मिनल, पहले तो वेक्टर बनाएंगे और फिर उसका क्या लेंगे यूनिट वेक्टर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या गिवन है, फॉर द गिवन वेक्टर ए बी फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखिए क्या कहता है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर क्या गिवन है टू आई माइनस जे प्लस टू के, माइनस जे प्लस टू के ये वेक्टर आपके पास है। बी वेक्टर क्या गिवन है, बी वेक्टर है आपके पास माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस के, तो ये वेक्टर हो गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें इनका सम करना है। एक्चुअली वो कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए पहला वर्क ये होगा कि हम इन दोनों का सम करें, और सम कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको, पहले तो दोनों लिख लेने, प्लस यहां पे है माइनस आई प्लस जे माइनस के, तो टू आई है यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू आई माइनस आई तो क्या रहेगा आई, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा जीरो बनेगा, टू के और माइनस के तो प्लस का के, ए प्लस बी क्या बना आपके पास ये वेक्टर आ गया आई प्लस के। अब हमें क्या करना है, यहां पे इसका यूनिट वेक्टर लेना है, और यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। तो हमारे पास ए प्लस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड करते हैं मॉडुलस बनाते हैं तो क्या होगा, आई का कोफिशियंट वन है तो इसका स्केयर वन, और के का भी वन है तो वन का स्केयर वन, तो ये बना रूट टू। हमें क्या करना है, आई प्लस के बाय रूट टू, ये आपका क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। आप इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, नाइन्थ क्वेश्चन हो चुके हैं, नाइन्थ और बचे बेटा, आने वाले क्वेश्चन नाइन्थ से आगे हम कल आपको करवाएंगे, आज के लिए आपको ये नाइन सम करने हैं।